मैं आया हूँ, चंदन दास जी आए हैं, हमारे देश के इतने बड़े गज़ल गायक हैं, तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ऐसे ऐसे स्थानों पर हमें अवसर दें कि हम आएँ और आशीर्वाद लेके जाएं। धन्यवाद। सर एक गाना हो जाए। हाँ बिल्कुल हो जाए। जी जी कल आए। माँ का एक भजन हो जाए छोटा सा। मेरे हाथों की लकीरों का, मेरे हाथों की लकीरों का हिसाब मैया तेरे पास है, मैया तेरे पास है। मेरे हाथों की लकीरों का हिसाब मैया तेरे पास है, हम सब की तकदीरों का हिसाब मैया तेरे पास है। इन हाथों की लकीरों का हिसाब मैया तेरे पास है। नवरात्रि का तो हमको इंतज़ार रहता है हर साल कि कब नवरात्रि आए और कब हम जगह जगह माँ के दर्शन करें और उनको प्रणाम करें। ये तो माँ की कृपा है, यहाँ पर वही आता है जिसको माँ बुलाती है, और बड़भागी होता है वही उसके चरणों में पहुँच सकता है। और हमारे श्री अनूप जलोटा जी को कौन नहीं जानता, जिन्होंने संसार को एक चलने का मार्ग दिया, एक संगीत की नई राह प्रारंभ की है, रास्ता निर्माण किया है। तो अगर वो आए हैं तो ये हमारे सभी भक्तों का बड़ा सौभाग्य है, माँ भगवती की कृपा है, और हमारे भक्तों का परिश्रम है जो 10 वर्ष से यह यज्ञ कर रहे हैं, उसका जो पुण्य निकला है। जैसे दूध को अगर उसमें से मक्खन निकालना हो तो पहले दूध को गर्म किया जाता है, ठंडा करके जमाया जाता है, और जमाने के बाद फिर वो जब दही बनता है तो मंथन किया जाता है, और मंथन करने से जो सार निकलता है उसको मक्खन कहते हैं। तो ये हमारे भक्तों के जो परिश्रम है, तप है, उसका मंथन किया गया, तो आज हमारे अनूप जी और चंदन दास जी उसी के सार के रूप में हम भक्तों के बीच पधारे हैं। ये तो हमारे भक्तों का सौभाग्य है और मैया की कृपा है। यही इसी के साथ सभी भक्तों से अनुरोध करूंगा कि आप आइए, इस महान दिव्य कार्य में सम्मिलित होकर जीवन को धन्य बनाए, क्योंकि संसार सत्य यही है, जीवन में और कुछ सत्य रह ही नहीं जाता। ये शरीर मरणासन्न है, पंच भौतिक शरीर है, आज है कल न का कोई ठिकाना। जब तक हमारे शरीर में दम है तब तक ऐसी जगहों पर जाकर के उपस्थिति दर्ज कराएं, क्योंकि साथ में यही जाने वाला है। ये घर बंगला गाड़ी मकान तो यहीं सब छूट जाएगा। धर्मानुगो गच्छत जीव एका, एक धर्मानुरागी जीव ही परमात्मा के माँ भगवती के द्वार जाता है। जय माता दी, जय माता दी। आप सब आइए, सादर आमंत्रण। सर ऐसा दो में क्या सर, जैसे कि नवरात्र बहुत बड़ा उत्साह रहता है, आपका कोई मेमोरी एनीथिंग? जब भी नवरात्र ऐसा होता है हम लोग आते हैं यहाँ पे और देखते हैं, जगह जगह पे प्रोग्राम होता है और लोग आते हैं यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए, माँ के आशीर्वाद, और उनको पूरी तरह से जो भी मन की इच्छाएँ हैं वो पूरा होता है। आपकी कोई यादें अगर आप शेयर करना चाहें, आपके बचपन याद? हमारे जो हम बंगाल के हैं तो हमारे दुर्गा पूजा, जैसे नवरात्रि में वहाँ दुर्गा पूजा होते हैं तो वहाँ पे पहले से तैयारी होती है और सभी लोग उसकी तैयारी करते हैं, और जो भी प्रोग्राम वोग्राम होता है हम लोग जाते हैं, सुनते हैं। कोलकाता की बात करें तो ऐसी कौन सी डिफरेंस है बॉम्बे और कोलकाता? कोलकाता कोई डिफरेंस नहीं है, ये सब यहाँ अलग तरह के होता है, वहाँ देवी को पूरा बना के पूरा मूर्ति